प्राथमिक विद्यालय दाऊदपुर में शुक्रवार को छात्रों की पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए अभिभावकों को निःशुल्क पुस्तक का वितरण किया गया, जिसके संबंध में प्राथमिक विद्यालय दाऊदपुर की प्रधानाचार्य इंद्रावती सिंह ने बताया कि कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए छात्रों के अभिभावकों को उनके पुस्तक वितरण किया गया और छात्रों को 76 दिनों का उनके हिस्से का राशन के लिए एक पर्ची भी दिया जा रहा है। उस पर्ची से उनको कोटेदार से राशन उपलब्ध हो जाएगा। उन्होंने बताया कि इस विद्यालय में 448 छात्र हैं। अभी तक 125 बच्चों को पुस्तक वितरण किया जा चुका है। सभी छात्रों का पासबुक और आधार कार्ड की फीडिंग हो रही है, जिससे छात्रों को उतने दिन का पैसा उनके खातों में चला जाए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्राथमिक विद्यालय की प्रधानाचार्य इंद्रावती सिंह ने कहा, थोड़ा बाहर ही रुक जाइए, अभी भीग नहीं करना है ना, रुक जाइए, अभी बुला रहे हैं। आप किसके मम्मी है, कहाँ है? नितिन में होगी ना, चार में होगी ना। तो आपको जो है 2.5 किलो गेहूँ और 5 किलो ये जो बच्चे खाना नहीं खाए मिल, उसी के बदले में गवर्नमेंट दे देंगे और उसका पैसा आपके खाते में आएगा। ये लेके जाए तो ये आपके पास। मेरा नाम इंद्रावती सिंह, प्राथमिक विद्यालय दाऊदपुर नगर क्षेत्र गोरखपुर। क्या है आप? मैं यहाँ की प्रधानाध्यापिका हूँ। आज बच्चों को जो है पुस्तक वितरण किया जा रहा है, ताकि कोरोना वायरस में वो विद्यालय नहीं आ रहे हैं तो घर में कम से कम जो है उनकी शिक्षा बाधित ना हो, चलती रहे। इसके लिए जो है बुक भी ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, और जो 76 दिन बच्चों ने खाना नहीं खाया है तो उसके लिए उनको एक पर्ची दी जा रही है, जो कोटेदार से जो राशन अपना ले रहे हैं, और उनका जो फीडिंग भी हो रहा है पासबुक और आधार की फ़ोटो कापी ले करके, ताकि उतने दिन का पैसा उनके जो है अकाउंट में जो है आ सके। कितने छात्र हैं दे दिया? और इस विद्यालय में तो 348 छात्र हैं, और अभी तक कम से कम 125 बच्चों को दे दिया गया है, और अभी बच्चे आ रहे हैं। हम लोग कम से कम बच्चों को गार्जियन को बुला रहे हैं कि एक ही बार भीड़ ना लगे, तो एक एक दिन करके हम बुला रहे हैं, और किताबें और ये खाद्यान्न की पर्ची उनको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं।